साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं खड़ा हुआ हूं अलीगढ़ के खैर रोड पर। जी हां, खैर रोड का नज़ारा यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे युवा खड़े हुए थे और बच्चे भी खड़े हुए देखे मैंने, तो मुझे यहां पर रुकना पड़ा और देखना पड़ा आखिरकार मामला क्या है। लेकिन यहाँ पर अलीगढ़ के नौजवान पूरे तरीके से अपडेट होकर खड़े हुए हैं, मानिए किसी बड़ी जंग की तैयारी के लिए जा रहे हों। कंधों पर बैग लगे हुए हैं, गले में मफलर है और समाजवादी पार्टी की टोपी। सचमुच बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखकर एक शायर की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। तो साथियों, ये रात में सर्द हवा, मौसम ठंडा है और उसके बावजूद भी इनकी लंबी यात्रा हम देख सकते हैं। पूरे तरीके से युवा जाने को तैयार हैं और पीछे बैनर लगा हुआ है व्यापारी महाकुंभ। चुनाव का वक्त है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राजनीति के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ के जिम्मेदार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर एक बैनर तले हम देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं अखिलेश जी की एक शानदार फोटो लगी हुई है और यहाँ पर एक बस भी खड़ी हुई है। मैंने आज सुबह समाचार पत्र में देखा था कि यहाँ से 5 बसें अलीगढ़ से लखनऊ के लिए मार्ग कूच करेंगी और उसी को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि ये लखनऊ के लिए जाने वाली बस खड़ी हुई है। यहाँ से जैसा कि इन्होंने बताया कार्यक्रम आयोजकों ने कि कई बसें अलग अलग पॉइंट पर खड़ी कर दी हैं और वहाँ से युवाओं को और कार्यकर्ताओं को लेकर बसें कूच करेंगी और कल 9 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शानदार सम्मेलन की सूचना है। हम यहाँ के जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम अतीत अग्रवाल है और समाजवादी व्यापार सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अतीत भाई, कितनी बसों को ले जा रहे हैं आप? देखिए, 5 बसें और 20 गाड़ियाँ हैं, सभी अलग अलग पॉइंटों पर खड़ी हुई हैं। कोई एटा चुंगी पर खड़ी हुई है, कोई कमालपुर में, कोई जमालपुर वगैरह में, वहाँ से लोगों को भरने का काम चल रहा है। और हमारा निश्चय है कि हम यहाँ से 1000 लोग लेकर कन्फर्म जा रहे हैं अखिलेश भैया जी द्वारा जो नेतृत्व में सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, आप युवाओं को साथ लेके जा रहे हैं? देखिए, इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य ये है कि व्यापारी जो मर रहा है, कोरोना काल में मरा, और जितने व्यापारियों ने आत्महत्या करी उनके लिए कोई भी बैंक से कर्ज माफ़ी नहीं हुई। आज तक कोरोना में कभी भी ये नहीं लिखा गया कि इन व्यापारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, क्योंकि उनके मृत्यु सर्टिफिकेट पे भी आज तक कोरोना अंकित नहीं है। अगर होता तो उनको क्लेम मिलता, उनको मुआवजा मिलता, लेकिन इस सरकार ने वो भी धोखा देकर उन व्यापारियों नहीं, सरकार ने तो स्पष्ट किया है जो भी कोरोना से मौत हुई है उनको पूरे तरीके से 4 लाख का भी इन्होंने कही थी कि 15 लाख भी देंगे। आज तक वो 15 लाख तो मालूम नहीं, लेकिन 4 लाख वाली बात मुझे तो लगता नहीं है किसी के खाते में अब तक 4 लाख रुपए आ चुके हैं, और ये सब एक जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है। चलिए हम बात करते हैं। और युवा खड़े हो रहे, मेरे भाई कहाँ चल दिए आप? आपको काफी स्मार्ट लग रहे हैं, कहाँ चल दिए आप? लाल अंगोछा डालकर क्या? मेरा कुणाल वाल्मीकि है। कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि आपका जो पूरा वोट होता है वो बीजेपी को समर्पित होता है। आपने सुना होगा, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने जब भी सुना है समाजवादी पार्टी को वोट सुना। आप ही वोट डालते हैं? आपका समाज भी वोट डालता है? जी डालता, 99% पूरा वोट डालता है। तो कह सकते हैं SC BC OBC सब एक लाभ होते हैं? बिल्कुल जी। ये जो कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि समाज हारा, हमारा मत है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको सब कुछ नहीं है। वाल्मीकि समाज ने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, बढ़ चढ़ के वोट दिया है, आगे भी 100% पूरी कोशिश करेगा और बढ़ के दिएगा। हमारे साथ में बहुत सारे युवा खड़े हुए हैं। मोहतरम मेरे साथ में खड़े हुए हैं, जनाब आपकी उम्र क्या है? मेरी 25 साल। जरा जोर से बोल दीजिए, बोले। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जी, समाजवादी पार्टी से हैं जी, और इस काम के लिए हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं पूरे अलीगढ़ शहर के अंदर, और अखिलेश भैया को इंशाल्लाह लाएंगे। नहीं, अखिलेश भाई में ऐसी क्या खास बात है जो आप अखिलेश जी को लाएंगे? मोदी जी में क्या कमी है, योगी जी में क्या कमी है? उन्होंने बहुत काम करा, ये हाईवे बनाए, पुलिस को गाड़ियाँ दी,
और लैपटॉप बांटे थे। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, मैं समझ गया, आपने बताया कि एम्बुलेंस भी जो थी अखिलेश सरकार में, अखिलेश भैया ने बहुत काम किया, 100 डायल भी, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह पूरे हम हिंदू मुस्लिम सब जितनी भी कौमें हैं सब हम एक होकर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इस काम को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी अल्लाह ने चाहिए, और इसको बिल्कुल ज़रूरत है हमें अखिलेश भैया की एक बार आने के लिए इंशाल्लाह। और इन्होंने बहुत जुल्म करा है हर इंसान पर। किसने जुल्म कर दिया मेरे भाई बताइए? सरकार जो है ये महंगाई इतनी हो गई है। कौन सी सरकार? मैं नहीं जानता। योगी मोदी की सरकार, बहुत ज़्यादा बीजेपी की सरकार, बहुत महंगाई हो गई है, गरीब लोग मर रहे हैं इसमें, और उनको खाने को भी नहीं है, आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ। सरकार कैसी बात कर रहे हैं बच्चों की? जी सरकार तो अनाज बांट रही है बड़े बृहद स्तर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना अनाज बांटा गया कि बहुत बड़े तरीके अनाज, से प्रचार भी हुआ, थैले भी बनाए गए उसके। अनाज बांट तो रही है एक दो महीने बांटने के बाद में फिर वो हमसे ही खींच रहे हैं। अब ये महंगाई, ये क्या कहते हैं, गैस फ्री बांटी थी इन्होंने, अब इन्होंने कितनी महंगाई कर दी कि हमसे भी खींच रही है, ये पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया था, अब घी रिफंड कितना महंगा हो गया, इसको कोई ना देख पा रहा। चलिए आपने बताया महंगाई हो रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और साथियों मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की, आखिर इनके मन में क्या भाव है जो ये लखनऊ की ओर कूच कर रहे हैं। हमने सुना है कि दिल्ली दूर नहीं और ये काफ़ी दूर है लखनऊ और पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद सलमान नाम है जी। मैं ज़्यादा से जी से दिल्ली में जा रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ मैं अखिलेश यादव जी को अगर जीत जाएंगे तो बधाई दूँगा। आपका वोट है? जी है, वोट भी है। बहुत अच्छा है, जिस देश के युवा जिसको सपोर्ट करेंगे यकीनन उसको कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ में एक जिम्मेदार व्यक्ति लग रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी टोपी पहनी हुई है, हम बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए। मैं नवीन गुप्ता पिंटू, समाजवादी व्यापार सभा जिला अध्यक्ष अलीगढ़ से हूँ। आज एक लखनऊ के अंदर कल 5 तारीख को महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के व्यापारी पहुँचेंगे, जिसमें हमारे अलीगढ़ से 5 बस, अलीगढ़ शहर से ही 5 बस और लगभग 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, बाकी पूरे मंडल से, हमारे अलीगढ़ मंडल से लगभग जो है 20 बस और 30 गाड़ियाँ करीब पहुंच रही हैं, जो अलग अलग पॉइंटों पर मौजूद हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, गाड़ियों का काफिला हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। योगी जी का सुशासन चल रहा है, रामराज चल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार पलट मारेगी? देखिए पहली बात तो आप जो कह रहे हैं कि योगी जी का सुशासन चल रहा है और रामराज चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा मैंने सुना था और बच्चों के भी मुंह सुना था। देखिए घर घर मोदी और हर हर मोदी का ये नारा एक राजनीतिक नारा है, जिसको उन्होंने एक राजनीतिक रूप देने का काम किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर घर मोदी और हर हर मोदी होता या योगी होता तो आज पूरे प्रदेश के अंदर आप जो इतना देख रहे हैं कि कितनी पब्लिक परेशान है, कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी पीड़ित है आप देख रहे हैं, और कितना आतंक पूरे शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर मचा हुआ है, कहीं बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि हाथरस के अंदर रात को 2 बजे 2:30 बजे लाश को जला दिया गया उस बेटी की, को उसको मार दिया गया, जिसका कोई न्याय आज तक नहीं मिला, न्याय के लिए पीड़ित दर बदर। मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है, उसमें सीबीआई की जांच हो रही है, कोर्ट में माननीय कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। जांच तो सीबीआई की हो रही है, सीबीआई तो इस टाइम पे इनकी बिकी हुई है, आप जानते हैं, न्याय तो उसको माना जाता है, न्याय तो उसको माना जाता है। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है और नारेबाजी अपने नेता के लिए जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी जो है काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी पीड़ित है, जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, व्यापारी वर्ग जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका और पद क्या है? योगेन चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, भैया जी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, राम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो साथियों, मैं था समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के समाजवादियों के साथ और ये लखनऊ के लिए हो रहे हैं रवाना। और मंडल से 20 बसों के साथ में अलीगढ़ से 5 बस के साथ सुबह 10 तक देंगे लखनऊ में। साथियों, इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। मैं हूँ आपका अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें और मेरी बात को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जिंदाबाद। चलो बस बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ। अरे बस बढ़वाओ।